بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس قل يا ابا من ابتعد قاف جهاز जड़ ज़बान और कव्वे से मिलकर अदा होता है इसको अच्छे तरीके से जड़ ज़बान को ऊपर उठ, उठाकर कव्वे से लगाएंगे और क़ाफ़ अदा होगा कुल बोलिए कुल कुल अब बोलिए कुल 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 सब तुम बोलिए कुल कुल हाँ कुल नाज़रीन आप भी इसको मस्क् करते रहेंगे कुल أعوذ أعوذ दोनों में फर्क होना चाहिए अऊ नहीं या आऊ नहीं दोनों लोग क्या कहते हैं आऊ नहीं पहले अ फिर अड़ू दोनों का फर्क वाजे होना चाहिए अड़ू आप बोलिए बेटा नाजरीन आपने देखा दोनों का अकज अलग अलग है इसलिए दोनों फर्क वाजे ज्यादा होना चाहिए अड़ू आूदु। 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 राल का मकरद जो है बताया था इसके पहले मैंने जबान की नोक और सामने के दांतों के किनारे पर लगेगा उसमें सीटी की आवाज नहीं आएगीऊ बी रोबिन नाजीन देखा आपने आपने फिर कुल कहा है। उसको काफ़ अभी इसके लिए मैंने रोका था कुल बोलिए कुल कुल हाँ पढ़ने के वक्त भी कुल ही बोलना है कुल नहीं बोलना है रोबिन यहाँ पर नून मुशद्दद है इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और आखिरी हद को साकिन करके हम वक्त करेंगे नासी है तो नास सीन की सीटी के साथ उसको रुकेंगे कुल आऊ रोबिंग मलिकन मलिकीन हाँ यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है मली की लाम और काफ ली की तो उसमें कोई दोनों में से कोई आम तौर पर दो तीन हर्फ मकसूर या कसरा वाले जेर वाले आते हैं तो लोग उसको एक उसमें एक ना एक मजहूल कर देते हैं मलिकिन बोल देते हैं मलिकिन तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है हर्फ जो है मजहूल हरकत को मजहूल नहीं पढ़ेंगे हरकत को भी हमेशा मारूफ पढ़ा जाता है और हर हर्फ को भी तो उसको ध्यान रखिए रखें आप बोलिए मलिकी मलिकी हाँ आप बोलिए मलिकी हाँ, हाँ नाजिन आप भी ध्यान रखेंगे मलिकीन मलिकिन ناس ناس हाँ सीन की सिटी की आवाज आना चाहिए इलाही नास इलाही नास इलाही नास इलाही नास, नास।, 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 नास। यहाँ पर भी घुनना अच्छे तरीके से आधा करेंगे नून मुशद्दद है और सीन के ऊपर जब हम वॉक करेंगे

यहाँ आपने जल्दी कर दिया मे यहाँ पर अख्फा का क़ायदा है नून साकिन के बाद हरूफ अफ्फ़ा के पंद्रह हरफों में से शीन आया हुआ है इसलिए हम बाद वाले हर्फ से शुरू करेंगे मे शर यहाँ पर नून को ज़ाहिर नहीं करेंगे नून की आवाज़ छुपाएंगे और आवाज़ एक अलिप के बराबर खैशूम यानी नाक के अंदर लेके जाएंगे उसके बाद शीन है तो यहाँ पर करने के साथ साथ शीन का भी मखरद जो है अच्छे तरीके से अदा करेंगे मे शर्री आप बोलिए

शर्री हाँ रा को पूर्ण नहीं करेंगे ध्यान रखना है मियों शर्रील। मियों शर्रील। वस्वा। वस्वा। यहाँ पर सीन की आवाज अच्छे तरीके से निकलेंगे सीटी आना चाहिए वस वा सिल वस वा सिल वस खन सिल। यहाँ पर ख जो है ये हलक के आखिरी हिस्से से ज़्यादा होता है उसको अच्छे तरीके से अदा करेंगे और उसके बाद पुर पढ़ेंगे उसको हरफों में से है ख और नून के ऊपर घूनना होगा नून मुशद्दद है इसलिए दोनों बात का हमको ध्यान रखना है الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي الذي, الَّذي هذا ज़मानत के आगे सामने के दांत में लगाएंगे अल्लज़ी नहीं बोले सीटी की आवाज नहीं आएगी पहले बता दिया गया था अच्छे तरीके से हमेशा उसको ध्यान रखेंगे अल्लज़ी अल्लज़ी युवस ओविसो युवस युवस ओविसो दोनों सीन है दोनों में सीन की सीटी की आवाज अच्छे तरीके से आना चाहिए अल्लादी युवस ओविसो युवस वीशु। युवस वीशु। युवस वीशु। अब युवस आप ऊपर के दांत में जबान लगा रहे हो आप पढ़िए फिर युवस युवस हाँ ऐसा बात ऐसे निकल अल्लादी युवस विसुदी यूएस विसुदूरिन फी हाँ, फी, फी में है, इसलिए एक के बराबर खींचेंगे फी, फी, फी फी हाँ वाओ मद्दा है उसको वा सेकंड से पहले पेश है इसलिए वाओ मद्दा होगा और उसको कितना खींचते हैं वाओ मद्दा को एक अलिफ की शाहबा वा मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं

الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس <applause> من الجنة والناس <applause> من الجنة والناس मीनल हाँ यहाँ पर लाम तारीफ का इजहार होगा क्योंकि लाम अरिफ लाम के बाद हरूब कमरी में से जिम आया हुआ है इसलिए लाम को जाहिर करके पढ़ रहे हैं हम और जिन्नति अभी बताया पीछे भी गुजर चुका है नून मुशद का गुन्ना होगा इसलिए दोनों का ध्यान रखेंगे मिनल जिन्नति मिनल जिन्नति वन्नस वन्नस यहाँ पर भी नून मुशदत का गुना होगा और न सीन पर हम साकिन करके वक्फ़ करेंगे इसलिए उसको वहाँ पर मद होगा मद दे लाजिम कह मद आरज वक्फ़ी कहते हैं उसको इनशा वह आगे आएगा आपको तो इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पर हरफ मत के बाद अगर हम वक्फ़ करेंगे तो सुकून हो पड़ेंगे इसलिए वहाँ पर भी मद होगा मीनल जीन मीनल जीन। بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق بسم الرحمن الرحيم पिछली गुजशत जो शुरू है उसमें भी इसमें बाज बाज कलिमात मिलते जुलते हैं इसलिए दोनों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे दोनों वही कलिमात है कुल अऊदु बी रब है ना यहाँ पर फ़र्क है अन्नास और अल अलफलक का तो इसको ध्यान देंगे <Pershans> कुल अऊदु बी रब्बिल फलक <Pershans> कुल अऊदु बी रब्बिल फलक कुल अऊदु कुल अऊदु बी बिल 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 को। को। हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है काफ का कलकला अदा होगा क्योंकि हम रुक रहे हैं यहाँ पर आयत है वहाँ पर तो काफ को साकिन करके रुकेंगे नाजरीन ध्यान देंगे इस बात का कि हम अगर रुकेंगे तो वहाँ पर कलकला होगा कलकला के पांच हरफों में से काफ आया हुआ है इसलिए उसको ध्यान देंगे बीरो قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من, شر. شر ما خلق. من شر شر ها ابلغ اسكبور كاردين شوي كاردين شر नाजरीन ध्यान देंगे इस पर राम मुशद नीचे जेर है इसलिए जेर हो तो बारीक होगी शर्री मर्री मर्री यहाँ पर भी काफ पर हम सुकून दे रहे हैं वक्फ की वजह से इसलिए यहाँ पर भी कलकला होगा कलकला के पांच हरकों में से काफ है बिल्कुल उसी तरीके से वीर शरुशन वुरह है और हल्के आखिर इससे ज्यादा होता है और पुरहफ होने की वजह से उसके बाद जो अलिफ आया है वो भी पूर होगा गया वो 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 आप बोलिए वो 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 आप बोलिए वो 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 सी सी वो सी वो सी क्वीन क्वीन वो सी क्वीन वो सी क्वीन नाज़िम ध्यान देंगे उसको अलिफ जो है पुर हो रहा है क्यों अलिफ के पहले अगर पुर हर्फ आएगा तो अलिफ पुर होता है इस बात को ध्यान रखना है गौसीकिन गौसीकिन इदा इदा बताया था इसके पहले भी रा जो है जबान और सामने के दातों के किनारे से अदा होते हैं जड़ जबान कौ से मिलकर अदा होता है और उसी के साथ बा जो है बा पर हम वक्फ कर रहे हैं दोनों हो मिलकर फिर उससे जुदा हो कल कले की सिफत पैदा होगी

ومن شر و من شر ومن شر نفثات و من شر النفثات यहाँ पर देखिए दो तस्दीद एक साथ हैं तस्दीद मा तस्दीद इसके पहले हमने सबक में पढ़ चुके हैं तस्दीद मा तस्दीद شر नफ हाँ, इसके पहले हम आ, सबक में पढ़ चुके हैं दो तस्दीदी तस्दीद इसको ध्यान रखना है नून पहले रा को नून में मिलाएंगे नून को फा में मिलाएंगे फिर उसके बाद फा को खड़ा जबर के साथ पढ़ेंगे फिलुद फिलु खुद यहाँ पर ध्यान रखना है हरूफ मद्दा है फा के अंदर लेकिन हरूफ मद्दा हम नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ फा को जेर के साथ पढ़ रहे हैं इसलिए के हरूफ मद्दा के बाद वाला अगर हर दूसरे कलमे में अगर साकिन होता है या मुशद होता है तो हरूफ मद्दा नहीं पड़ जाता फील रोकत नहीं पढ़ेंगे नाजरन इस बात को ध्यान देंगे कि हरूफ मद्दा या जब खींच कर पड़ जाते हैं अगर उनके बाद कोई साकिन हर पार है दूसरे कलमे में ध्यान रखना है उसी कलमे में अगर आएगा तो मद्द लाजिम हो जाएगा दूसरे कलमे में आ रहा है तो उसफ मदा को नहीं पढ़ेंगे शर्न النفاثات في العقد شر النفاثات في العقد तो समझ में आ गया फिल उकद में यह मतलब नहीं पढ़ेंगे उकद उकद हाँ दाल के ऊपर भी कलकला होगा क्योंकि हम रुक रहे हैं और रुकने की वजह से उसको साकिन कर रहे हैं وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ

हसद। हसद। तो पर रुकेंगे तो दाल को सुकून देंगे इदा हसद। इदा हसद। और जब दाल को सुकून देंगे तो वहाँ कल कला होगा इदा हसद।, इदा हसद आप पढ़िए बेटे सुरे पढ़िए आप بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين ملاحظة فرمائیں گے آپ بھی سنیے بیٹا قل <سؤال> اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من

صدور الناس من الجنة والناس سوى اب صورة الخلق قوليه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق پھر آپ نے اسے جلدی کرے قل لام پہ آواز رک قل اعوذ ب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق عذا وقب

بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ وَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ बार बार दोहराएं बार बार दोहराएं जब तक के दुरुस्त ना हो जहां पर भी गलतियां हो उसको हम चेक करें दुरुस्त करें उसको इन दो सूरतों की हमने मशक़ की है कवायद के साथ तो इसके जितने भी कवायद आए हुए हैं मिसाल के तौर तो पर घुंडा है कलकला है रा को पुर और बारीक पढ़ना इन तमाम चीज़ों को आपको निशानदेही की गई है इसी तरीके से वक्फ़ करने के वक्त तो मैंने बताया था कि हर हरकमत के बाद सुकून आएगा तो मद होगा या जज्म आएगी तो मद होगा तो उसको भी हमको ध्यान रखना है इसी तरीके से तस्दीद माँ तस्दीद का भी इसमें सबक आ चुका है और कलकला वाले हर्क पर अगर हम वक्फ करेंगे तो उसको साकिन करेंगे और उसके साथ कलकला की सिफत बैदा होगी इस तरीके से आप इन तमाम बातों को जो बताई गई हैं ध्यान रखेंगे अगले एपिसोड में इन शह इसके आगे की सुरें हम पढ़ेंगे तब तक के लिए आ, इजाज़त चाहूँगा